नमस्कार, मैं हेमंत शर्मा। आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश पारा मोहल्ला चुनावी हल्ला। इस कार्यक्रम के तहत हम वार्डो का भ्रमण करने निकले हैं और वार्डो का भ्रमण करने के दौरान वहां के जो विकास के दावे किए गए हैं उन दावों में कितनी हकीकत है ये जानने की कोशिश हम कर रहे हैं और उसी विकास की हकीकत को जानने हम पहुँचे हैं वार्ड क्रमांक 19 अब्दुल कलाम वार्ड। इस वार्ड की हकीकत जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार 5 सालों में पार्षद ने यहाँ पर कितना काम किया है। तो चलते हैं वार्ड की ओर। हमारी खास पेशकश पारा मोहल्ला चुनावी मोहल्ला में हम आज आ पहुंचे हैं वार्ड क्रमांक 19 अब्दुल कलाम वार्ड। इस वार्ड की हकीकत जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार 5 साल पहले इस वार्ड के लोगों ने जिस पार्षद को जिताया था उन्होंने कितना काम यहाँ पर किया है। जो मूलभूत सुविधाएं हैं, पानी, सड़क, बिजली, उसको लेकर कितना काम हुआ है। इसके अलावा जो बुनियादी चीज़ें हैं उसके लिए भी क्या काम हुआ है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी समस्या वार्डों के निकल कर सामने आती है, सफाई, उसको लेकर क्या कुछ हुआ है। वार्ड के लोगों से ही जानने की कोशिश करेंगे और जो दावे पार्षद ने किए थे आखिरकार उसमें कितनी हकीकत है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ अब्दुल कलाम वार्ड के काफ़ी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर हैं, युवा हैं, महिला हैं, बुजुर्ग हैं। सबसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार कितना काम काज यहाँ पर हुआ। भैया आप बताइए, 5 साल पहले जिस पार्षद को आपने जिताया था उम्मीदों पर खरा उतर पाए क्या? नहीं, उम्मीदों पर तो खरा नहीं उतर पाए हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को उन्होंने किया है। जैसे रोड वोड जो है उन्होंने तो उसको बनाया है, लेकिन जैसे मच्छर का जैसे है, नाली का जो साफ सफाई होते हैं, बट लेकिन क्या जिस समय के अनुसार होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। और दूसरा क्या है कि जो मोहल्ले का जो समस्या है उसको कभी कोई भी पार्षद आकर के सुनता नहीं है कि मेरी ये समस्या व्यक्तिगत। कभी इन 5 साल में कभी भी कोई ऐसा आकर के किसी से मुलाकात करना, उनकी समस्या को सुनना, ये सब के बारे में कभी ऐसा कोई चर्चा नहीं हुआ आज तक। ना कोई कैंप वम्प या कुछ भी ऐसा कोई भी जो हमारे जो एक मोहल्ले का जो एक समाज विकास में जो काम होता है वो सब चीज़ें नहीं हुई है। ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिसे मैंने हमारे में दूरियां हम देखते हैं। केवल इलेक्शन के समय जो है, केवल वो मतलब वोट के समय ही हमारे साथ एक व्यवहारिकता को बना लेते हैं हर चीज़ों में, बट लेकिन पूरे 5 साल जो है हमारे साथ उनकी जो कड़ी जो जुड़ी होनी चाहिए वो रहता ही नहीं है टोटली। जो वार्डों का भ्रमण करते हैं क्या? वार्डों का भ्रमण करते हैं मैंने गाड़ी से आते जाते होता है, बट लेकिन वो भी कोई ओकेजन पे होता है। जैसे कोई निरीक्षण करने आया है तो उनके साथ पहुंच गए, या जैसे वोटिंग के लिए जो पहले से कोई प्लानिंग करनी है तो उसके साथ में सबसे मिलना जुलना शुरू कर दिए। मतलब वो अपने स्वार्थ को लेकर के वो निरीक्षण करने आते हैं, बट ऐसा व्यक्तिगत उनका ऐसा नहीं होता है किसी के दुख सुख में हर एक विषय में जो है ना उनके साथ में ताल्लुकात करें बोल करके। आप बताइए क्या क्या काम काज यहाँ पर हुआ है और क्या बड़े काम अभी बाकी रह गए हैं? जी ये तो मेरे को नहीं मालूम क्या करना है क्या नहीं करना है, पर वही है भैया जो बोल रहे हैं उसी में मैं भी शामिल हूँ। सफाई बड़ी एक तरह समस्या है। हाँ, सफाई बड़ी बहुत समस्या है सफाई की। हाँ, होती क्या प्रॉपर प्रॉपर नहीं होती है। के पास जाते हैं तो क्या बोलते हैं? वही साफ सफाई करा रहे हैं बोलते हैं पार्षद। हाँ, होता है करके। हाँ, लेकिन ध्यान नहीं दिया जाता। नहीं दिया जाता। ये किसी भी वार्ड की जो बुनियादी समस्या है सड़क, पानी, बिजली रहती है, उसको लेकर क्या काम पार्षद ने यहाँ पर किया है? बस ये रोड बना है, नाली भी बना है, पर लेकिन जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हुआ है। साफ़ सफाई भी नहीं होता है, महीना दो महीना में होता है। और जैसे और भी मतलब सफाई कर्मी आते हैं दूसरे तीसरे दिन हफ्ता भर में या हर एक दिन भी, रोड को भी थोड़ा सफाई करना चाहिए। वो सब भी अगर हम लोग ना करें तो होता नहीं है, उससे बहुत सारी गंदगी फैलता है। और क्या नली से कीड़े भी निकल निकल के घर के अंदर भी घुस जाते हैं सफाई नहीं होने के कारण। महिला है, महिला को स्वरोजगार देने का एक अभी चल रहा है, तो उसको लेकर क्या कुछ काम हुआ है यहाँ पर महिलाओं का? महिलाओं के लिए कुछ काम है? नहीं, कुछ नहीं। कोई बड़े भवन यहाँ पर बने हैं, चाहे स्कूल हो चाहे आंगनबाड़ी हो? आंगनबाड़ी बना है, अभी बना है, अभी फिलहाल बना है इधर में, बड़ा भवन नहीं है। और चीज़ों में ध्यान नहीं दिया जाता क्या है? सफाई वफाई जैसे हो गया, काफ़ी परेशानी बरसात के मौसम में आप लोग को? बरसात के मौसम और हमेशा ही परेशानी होती है, तो
ऐसा नहीं कि बरसात के समय आप ही देख लीजिए नली कैसा है, गंदगी भरा हुआ है ना, और मच्छर इतने ज़्यादा हो गए, इतने ज़्यादा मच्छर से तो बहुत परेशान, क्योंकि नली सफाई नहीं होगा तो मच्छर तो उसमें होगा ही है ना। ये अब्दुल कलाम वार्ड की जो समस्या है वो उभर कर सामने आ रही है, खासतौर पर सफाई व्यवस्था, क्योंकि नालियों की यहाँ पर सफाई नहीं होती और उसके बाद घरों में जो मच्छर हैं वो उत्पन्न हो रहे हैं, इससे ज़्यादा परेशानी लोगों के यहाँ पर हो रही। कुछ और लोग हैं उनसे बात करते हैं, बताइए पार्षद के काम काज से संतुष्ट हैं आप? पार्षद के काम से संतुष्ट तो हैं, लेकिन वैसी है कि काम भी क्या है, अधूरा अधूरा है। कुछ काम करवाए हैं, नाल वगैरह का काम करवाए हैं, बाकी है साफ सफाई तो कुछ होता नहीं है। महीने 15 दिन में एक बार उनको फ़ोन करो या जाओ तब भेजते हैं, बाकी ऐसा कोई काम तो हुआ नहीं है बड़ा काम। मूलभूत सुविधाओं के लिए कुछ काम हुआ? पानी, बिजली, सड़क? मूलभूत सुविधाओं के लिए है, लाइट वाइट तो करवाया अभी बीच में, उसके बाद तो अभी फिलहाल जल रहा है, वही है पानी वानी की सुविधा है, बाकी हमारे सफाई तो बिल्कुल होता ही नहीं है समझ लो। क्या उम्मीद है आने वाले पार्षद से, जो आपका पार्षद चुनकर आएगा उससे क्या उम्मीद रहेगी? अब उम्मीद तो कर रहे हैं, जो नया पार्षद आए तो हम बोले करवा दे करेंगे काम करके, अब देखते हैं अब काम करते हैं कि नहीं करते हैं, बस उन्हीं के ऊपर अब डिपेंड करता है। अब हम भी अब लगे हैं, आम जनता का क्या है, जाके टोचा मारना वही है पार्षदों को कि सफाई करवाइए करके। आप क्या सोचते भी हैं नया पार्षद आएगा, क्योंकि एक मतदाता को एक उम्मीद रहती है अपने जनप्रतिनिधि से, तो क्या उम्मीदें आपकी रहेगी? देखिए अगर मोहल्ले के विषय में देखा जाए तो केवल रोड नाली और बिजली दे देने से सारा समस्या हल नहीं हो जाता। बेसिकली जैसे बच्चों का कोई ऐसा मनोरंजन करना हो तो मोहल्ले में कोई खेलने का कूदने का कोई स्थान नहीं है, ना गार्डन है, ना कोई भवन है जहाँ पर कि कोई शादी का समारोह या कुछ भी मनोरंजन करना हो तो उसके लिए कोई स्थल ऐसा हमारा नहीं है। ये सब चीज़ों का आवश्यकता है। और हमारे क्षेत्र में जनरली क्या है कि हम देखें कि मतलब उस तरह से हमारे ओर ध्यान नहीं दिया जाता, जनरली केवल वोटिंग के समय ही ध्यान देते हैं। बट लेकिन ऐसा व्यक्तिगत अगर हम देखें, जैसे कई सारे सरकारी जो बेनिफिट हमको मिलना चाहिए वो सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा रुझान कुछ नहीं दिखता, हम लोगों को कोई ऐसा फ़ायदा नहीं है आज की तारीख में। जैसे कि कई सारे विषय में जैसे है कि जैसे मैंने सरकार का जो सरकारी योजनाएं हैं एक पार्षद के थ्रू से जो आते हैं उसमें हम लोगों को कोई योगदान मतलब मिलने का कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। आप बताइए अभी राशन कार्ड बनाने का अभी दौर चल रहा था तो पार्षद ने इस वार्ड में ध्यान दिया राशन कार्ड को? ऐसा भी है कि पार्षद क्या है स्वतः व्यवहार करता है, जैसे कि कोई नेता अधिकारी आ रहा हो तो आ जाएगा, बाकी समय तो ऐसी है, बाकी बना देता है हम ही लोग उसको निकाल देते हैं, इसमें कभी झाड़ू से कभी लकड़ी से। सीधा जुड़ाव नहीं है क्या पार्षद? एक्चुअली क्या है एक सौतेला व्यवहार मतलब क्या होता है, जैसे कि मैं उस गली में रहता हूँ, मैं मुश्किल से पार्षद को 5 साल में 15 बार देखाऊँगा, जबकि ये जो इससे पहले जो पार्षद था वो तो फिर वो गलत किया तभी तो ये आया। परिवर्तन जरूरी है, परिवर्तन लाना जरूरी है। ऐसे रह गए हैं वार्ड में जिसकी आवश्यकता है आप लोग? आवश्यकता भी है एक्चुअली की मैं बता रहा हूँ, जैसे कि अपन भारत माला चौक चले गए तो वहाँ साफ सफाई दिखता है, क्यों लोगों का आना जाना है, फोकस पे आते हैं। अब ये गली खोटे में कौन आएगा भैया, ये है मतलब नाली का निकासी नहीं है भैया यहाँ, और ना हम लोग बाहर से लाते हैं पानी, पूरा हम लोग का बोर खराब हो रहा है, और ना यहाँ नाली ना बहुत दिन बाद ही आते हैं साफ करने, देखो कितना हो रहा है, और नाली का बिल्कुल भी निकास नहीं। अब उनका जाते हैं भाई उनके पास, हाँ हाँ बोलते हैं, बस कुछ नहीं होता है, बहुत सारा बताते रहे कचड़े का है, वो नाली का साफ नहीं होता, और निकासी नहीं नाली का, बोर्ड पूरा हम लोग का खराब हो गया है पानी, और पूरा हम लोग बाहर से लाते हैं पानी। प्रॉब्लम है भैया नाली साफ नहीं हुआ, कचड़ा निकाल देते बाहर में छोड़ देते, और निका हटाए नहीं, 8-8 दिन में 4-4 दिन 5-5 दिन में आते, और पूरा पीछे तरफ निकासी नहीं है नाली के, ओकर कारण पूरा पानी गंदा गंदा आवा थे, हर घर में पूरा मतलब पानी गंदा आवा थे, बोर के पानी गे जाए थे तो हाव हाव करके बोलते भैया, अब ओकर तो कुछ ध्यान ही नहीं देवे। हाँ नाली तो पूरा जाम है, पानी का निकासी नहीं कहीं है, इसके लिए और गंदगी फैलता है, बोर का पानी खराब हो रहा है, उसे पीने में तकलीफ है, और इसके लिए साफ सफाई ठीक से होता नहीं, यही बात है, ये समस्या तो है। बोर का पानी एकदम पूरा बंद था सब तरफ, ये हमारा ये बोर है, ये तो 250 फुट नीचे खोद, क्या पार्षद ध्यान देंगे, नाम का पार्षद है। यहाँ पूरे गंदगी पसरा हुआ है, यहाँ बोर पानी है, नाली का पानी का निकासी नहीं है, तो पूरा बोर के पानी खराब हो रहे हैं, जिससे पीलिया वगैरह हो रहे हैं लोगों में।
नहीं नहीं कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। देखिए पूरा नाली देखिए आप, पूरे गंदे की कोई सफाई नहीं वहाँ पे, आगे जाके देखिए और इधर भी कचरा फैला हुआ है, मवेशी आते हैं। नहीं 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 हम तो आप देखे भी नहीं, एक भी बार कोई नहीं आया यहाँ पे। समस्याएं हैं, बहुत सारी समस्याएं, ये खोद दिए इसको, कोई रोड बनाया भी नहीं इसको, पाइपलाइन ही नहीं पीछे इधर। ये बात बताइए, सरकार की जो योजना है उसको अमली जमा पहनाने की कोशिश पार्षद द्वारा की गई है क्या यहाँ पर, जिसको इससे सीधा लाभ हो? अभी तक तो नज़र नहीं आए, ना तो दौरा करते हैं ना तो इंटरेस्ट लेते हैं। वो बड़ा बड़ा कहाँ पे जगह पे कहाँ पे खाली है, किसको कब्जा किया जाए, यही उसमें नज़र है। वहाँ की आम जनता है, नल नाली सफाई मूलभूत सुविधाओं पे जरा भी उसका नज़र नहीं है, ना ध्यान है। जमीन पर ज़्यादा ध्यान, जमीन पर ज़्यादा ध्यान है। तो सीधा एक तरीके से देखा जाता है वार्ड में पार्षद का जनता से सीधा जुड़ाव होना चाहिए, तो इस वार्ड में दिखता है क्या? नहीं जरा भी नहीं है। पार्षद को तो मैं आज तक 5 साल में नहीं देखा हूँ, आज तक नहीं देखा हूँ पार्षद को इस वार्ड में घूमते हुए। उसके पति कभी कभार आ जाते बाइक से, वो बात अलग है, लेकिन पार्षद को आज तक नहीं दिखा हूँ। हमारे साथ एक बुजुर्ग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। दादा आप बताओ, काम हुए इस वार्ड में? काम तो जरूर होते हैं, रोड घाट जो है ये इसको बनाए हैं, ये बाद में बना है, सब जो जैसा जहाँ कमजोरी था उसको बनवाए हैं। नाली भी अपने में भर जाता है, उसको भी काम करवाते हैं, करते हैं। साफ सफाई कैसा है वार्ड? साफ सफाई तो उतना नहीं हो पाती है, लेकिन फिर भी होता है बराबर। अभी तो जो है थोड़ा दिन से थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, इसके पहले उतना ध्यान नहीं, एकदम नहीं। ये वृद्धा पेंशन को लेकर कुछ काम हुआ है, क्योंकि आप भी बुजुर्ग हैं? हम बुजुर्ग हैं, लेकिन बुजुर्गों को जो जिसको मिलता होगा उसको मिलता होगा, लेकिन ये सब हमारे अभी तक नहीं मिला है। कुछ नहीं मिलता हमको, पार्षद नहीं देते क्या संबंध में? नहीं भी इसको संबंध में कहाँ पार्षद देगा, कभी कुछ नहीं, किसी से पूछना ना आना ना जाना, कुछ नहीं है, कोई लेना देना नहीं, कुछ लेना देना। आज तक राशन कार्ड नहीं हुआ, एक तो राशन कार्ड जनरल बना था वो भी कैंसिल कर दिए थे, आके लोग जांच करने आए, बोले कि इस घर में तो जनरल वो कार्ड एक होता है ना बीपीएल, क्या बोलते हैं, तो गरीबी रेखा का तो है नहीं, लेकिन और जो कार्ड एक बनवाए थे जी उसको बनवाए थे वो भी कैंसिल कर दिए, आज तक कुछ नहीं उसका मिलना है। अभी जो फार्म भर करके देने का था, अभी जो फार्म भर के देने का था वो भी भर के दिए, आज तक नहीं बना, वो भी नहीं बना, वो भी जनरल का एक तो राशन कार्ड बनाने के लिए वो पार्षद के यहाँ हम फार्म भर के दिया, उसका रसीद दिए थे वो उनको जमा कर दिया, वहाँ गया कई दिन, 3-4 दिन दौड़ दौड़ के गया, अभी तक आया नहीं, वो भी नहीं आया। निश्चित तौर पर ये सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि ये बुजुर्ग हम जिससे बात कर रहे थे उनका साफ तौर पर कहना है, ना तो उनको वृद्धा पेंशन योजना का लाभ मिल रहा है, ना तो जो सामान्य राशन कार्ड APL जो राशन कार्ड है वो बनाया जा रहा है सरकार द्वारा, उसका भी लाभ उनको नहीं मिल रहा है। तो बड़ी समस्या यहाँ पर निकल कर सामने आ रही है, लेकिन सबसे प्रमुखता से अगर देखा जाए तो पार्षद की जो निष्कर्षता है वो यहाँ से उभर कर सामने आई है, क्योंकि लोगों का कहना है कि जनता से सीधा जुड़ाव उनका नहीं है, वो कभी दिखाई देते नहीं हैं, और साफ तौर पर जो यहाँ की सफाई व्यवस्था है वो पूरी तरीके से चरमराई नज़र आती है। हमारे खास प्रोग्राम बारह मोहल्ला चुनौई बस मोहल्ला में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस, कैमरामैन अखिलेश के साथ हेमंत शर्मा, स्वराज एक्सप्रेस रायपुर। तो हम पहुंच चुके हैं वार्ड क्रमांक 3 संत कबीरदास वार्ड। बड़ी संख्या में हमारे साथ महिलाएं यहां पर मौजूद हैं, इसके साथ महिलाओं के साथ साथ जो यहां के आम लोग हैं, युवा हैं, बुजुर्ग हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो पार्षद का उन्होंने चुनाव किया था, आखिरकार उस पार्षद ने कितना यहाँ पर काम किया है, वो अपने दावे पर कितना खरा उतर पाए हैं। हालांकि इस वार्ड की बात की जाए तो काफ़ी बड़ा वार्ड है और संत कबीर दास के नाम से वार्ड रखा गया है। अभी पार्षद की बात की जाए तो कांग्रेस के पार्षद मोहित गिरतले वर्तमान पार्षद हैं और कामकाज को लेकर उन्होंने काफ़ी दावे यहाँ पर किए हैं। हालाँकि उनके दावों पर कितनी सच्चाई है वो यहाँ के लोगों से ही जानने की कोशिश करेंगे। कुछ महिलाएँ उनसे जानते हैं, कितना काम हुआ है आपके वार्ड? यहाँ पर तो पहले बहुत काम हुआ था, उसका नारद कौशल के ज़माने में, लेकिन अभी जो नया पार्षद बने तो काम ही नाली सफाई होता च नहीं भैया, जब तक हम लोग फ़ोन करके नहीं बुलाते ना तब तक नाली सफाई नहीं होता, पार्षद ध्यान नहीं देते, पार्षद ध्यान नहीं देता, बोलते वर्कर को तो हमको क्या कहते वर्कर की कमी है,
ऐसे करके बोलते हैं। पानी बिजली सड़क के लिए कुछ काम, वो पानी बिजली सड़क ये अभी खनाया था तो अभी बना है दीपावली पहले, और वैसे पानी वानी की समस्या तो नहीं है। हाँ, बिजली भी समस्या नहीं है। सबसे बड़ी समस्या क्या है पूरा वार्ड के देखे थे? वही नाली सफाई, पूछ ली इन लोगों को भी पूछ लो तो। नाली सफाई बराबर नहीं होता? नहीं होता नाली सफाई, वही इसलिए ना सब कहते हैं। देखा जाए तो राशन कार्ड जो महिला मन के बना थे ओकर फायदा पहुँचाते है पार्षद यहाँ के? कोशिश करे की नहीं करे? नहीं नहीं करे हैं, ये तरफ इतना ध्यान ही नहीं दे, यानी कि खुद जाकर बनवाओ ऐसे टाइप के है। क्या बताओ पा, काम करे पार्षद? का काम करे भैया, वो नाली मन पड़े पड़े सब। कोई बड़े काम हुए? नहीं हुआ कोई बड़े काम नहीं। कुछ और महिलाएं उनसे जानते हैं, आप बताओ काम हुआ है? नहीं हुए, नाली वाली साफ नहीं करे, बुला तो भी नहीं आए। पार्षद नहीं आए थी? नहीं आए। आप गए होकर करा समस्या लेके का बोलते? नहीं आए, बहाना मार दे। बहाना मार का बोलते? आए बाद में ऐसे बोलते, और फिर नहीं आए। का चीज क्या हो सकता है वार्ड में सबसे बड़े समस्या का? बोर चाहिए वाला पानी के। का चाहिए? सफाई या बोर? हाँ यहाँ पर पानी पर लग पाए नहीं, नहीं आसपास में बोरिंग वोरिंग पानी की व्यवस्था नहीं है? नहीं है, नहीं है, नहीं है। बोर यहाँ पर कब से बंद है बोरिंग? हम लोग तो उद्गली के हैं। हाँ ठीक, कब से बंद है वो बोरिंग? ये तो बहुत दिन से बंद है। पानी की कोई व्यवस्था नहीं वार्ड में? पानी की व्यवस्था कोई नहीं है, सिर्फ नल है एक ठो, वो भी एक घंटा चलता है सुबह, एक घंटा शाम के, वो भी कभी कभी तो पौने घंटे ही बंद हो जाता है, नल ही नहीं चल पा। गर्मी दिन में? गर्मी दिन में भी वही हाल है, एक घंटा बस चलता है सुबह और एक घंटा शाम के। ध्यान नहीं देते? नहीं, पार्षद को बुलाने जाओ ना तो आ रहा हूँ बोल देता है, और आता नहीं है ना, कभी आया भी नहीं। बताओ दादा कितने काम काज से खुश हो आप पार्षद के? हम लोग तो नहीं है कोई खुश, यहाँ सब फालतू छापे भैया, बनने के बाद कोई ध्यान नहीं देता मालूम, जब तक तो नहीं बनेगा तब तक कभी। सात महीना ये नाली में देख साले ला, हम साफ करते हैं नाली ला, हम साफ करते हैं। जाके देखिए ना भैया गली में, जाके देखिए, चलो मौके पे जांच करिए तब समझ में आएगा आपको भी। वृद्धा पेंशन के लाभ मिला थे कि नहीं? मिला, मिला मेरा कुछ नहीं। ध्यान नहीं देवे का? कोई ध्यान नहीं। अकेला लेके अयोध्या देख गए मैं, यहाँ आया था, नहीं नहीं कुछ नहीं है। वो तो पार्षद आवे नहीं करे, जाबे घर में तो कायती बरा हस ते मलोड़ दे हस। अरे मोर करे से पांच घाव पाँव पड़ी से, और वो एक महीने के बाद वो भुला के मोर चेहरा ला। बड़े बड़े वादा कर रही से? का का कतको वादा कर रही से, कुछ नहीं है। एक भी पूरा हुई से? एक पूरा नहीं हुई। सबसे बड़ी समस्या वार्ड में का होना चाहिए? अरे सब गरीब गुजारा की हेल्प सुनना चाहिए, आना चाहिए, ये सब दारू फारू पीते तेला थोड़ा बहुत चमकाना चाहिए, गांजा दारू है। सामाजिक तत्व मन बैठे रहते दिन भर? कहाँ, हमारा अब दुकान में रहता जाने, और ये कोलकी में बिल्कुल दारू के, दारू गांजा बिल्कुल कोलकी में जाही, लड़की उड़की आई तक छेड़ छाड़ कर ही। रोके पर कुछ नहीं करे पार्षद? कुछ नहीं कर। तो ये लगातार समस्या से निकलकर सामने आ रही है, हालांकि वार्ड काफ़ी बड़ा है, लेकिन सीधे तौर पर वार्ड वासियों का ये आरोप है कि निष्क्रियता पार्षद की है, वो बातों को सुनते नहीं हैं। चुनाव के समय काफ़ी उन्होंने दावे किए थे और उन दावों की बदौलत वो चुनाव जीते, लेकिन उसके बाद चुनाव जीतने के बाद वो यहाँ पर ध्यान देना बिल्कुल छोड़ दिया है। इसके अलावा सबसे बड़ी समस्या आकर निकलकर सामने आ रही जो असामाजिक तत्व हैं, जो नशे का कारोबार है वो जोर शोर से यहाँ पर चल रहा है, नशे की लत में यहाँ के जो लोग हैं वो यहाँ पर काफी मात्रा में आ रहे हैं। कुछ और लोग हैं उनसे बात करते हैं। ये पाँच साल में कितना काम काज पार्षद आपके मन के वार्ड में करे है, तो का इससे बड़ी समस्या है वार्ड के? काम तो ठीक करे किया है, लेकिन वही बस साफ सफाई बस में ज्यादा ध्यान नहीं दिया है, और बाकी बाहरी है जहाँ जहाँ मतलब पब्लिक ज्यादा है वहाँ तो काम ठीक है, लेकिन अंदर का जो है उसको ध्यान नहीं दिया है। कोई मनोरंजन के लिए कुछ भवन वन बने? नहीं वो तो नहीं बने है, नहीं यहाँ बना था बस वो तो समाज वाला है, लोधी समाज वाला, वही उम्मीद है कि इधर के आसपास में सुलभ उलभ भी नहीं है, यहाँ आसपास में वो भी नहीं है, सुलभ होना चाहिए। हाँ उधर तालाब के पास होना चाहिए, तालाब के पास भी सुलभ नहीं है, जब गंदगी वही फैलते हैं तो इस साइड है ना, और तो बस्ती अंदर साइड आ गए, उधर बसंत विहार एरिया में नहीं है। ये पाँच साल बाद फिर चुनाव होने वाला है, 21 तारीख के चुनाव है, तो अभी वर्तमान जो पार्षद मोहित गिटलर है कितना काम वो करें वार्ड में? हमारे मोहल्ले में तो कुछ नहीं हुआ है, मोहल्ले के बारे में हम लोग दो तीन बार गए थे इस गली के का शिकायत करने, लेकिन कुछ नहीं किया है, आते भी नहीं है मोहल्ले में बुलाने पर। तो आप उनके पास जाते हैं क्या बोलते हैं?
आऊंगा, देखूंगा, कराऊंगा, काम पास हो जाएगा, ऐसे बोलता है लेकिन आता भी नहीं है। सबसे बड़ी समस्या क्या है मोहल्ला के आपने? यहाँ ना मोहल्ले में लड़के लोग ना यहाँ बैठ के वही शराब वगैरह नशा वगैरह करता रहता है। हाँ, और लड़की लोग को तो बहुत परेशानी होती है यहाँ से गुजरने में। हाँ, कैसा है पार्षद का काम काज? पार्षद का काम बहुत बेकार है, तो अभी भी वो उधर का रोड तालाब पास का टूटा पड़ा है, अभी तक नहीं बना है। बहुत बार हो गया कंप्लेन, लेकिन अभी तक मतलब उसमें ध्यान ही नहीं दिया है, मतलब अभी तक वो काम मतलब काम नहीं करवाया है उसका, अभी भी टूटा पड़ा है रोड। निश्चित तौर पर ये काफ़ी चिंता का विषय है, क्योंकि जितने वार्डों का अभी तक हमने भ्रमण किया है, ज़्यादातर वार्डों से लोगों की राय निकल कर आ रही है कि चुनाव जीतने के बाद जो उनके पार्षद हैं उन्होंने किसी प्रकार का काम यहाँ पर नहीं किया, और उसी तरीके का हाल ये वार्ड क्रमांक 3 संत कबीरदास वार्ड में है। यहाँ के जो पार्षद हैं मोहित गितलहरे, जो कांग्रेस के पार्षद हैं, उन्होंने भी यहाँ पर किसी प्रकार का काम नहीं किया है, और सीधा सा आरोप लोगों का यही है कि वो लोगों से जुड़कर नहीं रहते और एक लोगों का काम वो नहीं करते, और गली मोहल्लों की बात की जाए तो यहाँ का भ्रमण करने भी नहीं आते। तो इस तरीके से समस्याएँ काफ़ी यहाँ से निकल कर आ रही है, हालांकि आने वाले पार्षद से इनकी काफ़ी उम्मीदें हैं, और आने वाले पार्षद अपने दाव पर कितना खड़े उतर पाते हैं वो देखने वाली बात होगी। हमारे खास प्रोग्राम पारा मोहल्ला चुनावी हल्ला में 8-3 का हाल हमने जाना, अब किसी अन्य वार्ड का हाल जानेंगे। आज के लिए बस इतना ही, अब देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। कैमरामैन अखिलेश के साथ हेमंत शर्मा, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।